हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे थे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें मैंने काफी बात कर ली थी बेटा, ठीक है ना। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट आखिरी बात करके गया था, सर याद तो आ गया होगा। कैसे लिक्विडिटी है फाइनेंशियल एसेट को, कैसे बेटा कन्वर्ट कर देता है कैश में फाइनेंशियल मार्केट। कल देखा था ना बेटा, कितनी देर लगाई थी बेटा बाय करने में, उससे भी कम देर सेल करने में लगती है, ठीक है ना। बस वो बाय चांस है कि आपके सामने मैंने सेल नहीं किया, ठीक है। हाँ करके दिखाओ, अभी करके दिखाऊंगा। अब 1 बजे के बाद जिसने देखना हो वो रुक जाना, ठीक है ना। आप देखूंगा कौन कौन देखना चाहता है सच में, ठीक है जी। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। फोर्थ हेडिंग इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। सर मैंने अभी तक आपसे 2 झूठ बोले हुए हैं, फाइनेंशियल मार्केट ही शेयर मार्केट है, और दूसरा झूठ फाइनेंशियल एसेट सिर्फ 3 चीजें होती हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर, ठीक है ना जी। सर जब मैं बात करता हूं ना रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो कॉस्ट का मतलब 3 बातों से है, लगने वाले टाइम से, लगने वाली मनी से, लगने वाले एफर्ट से। कॉस्ट मतलब टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। कहते हैं टाइम, मनी और एफर्ट रिड्यूस कर देती है शेयर मार्केट। बेटा मैं ना ये बात समझाने की कोशिश करता हूं, किसी एक ऐसी चीज को उठाते हैं जिसकी कोई मार्केट नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं बेटा अबाउट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है एंड आई वॉन्ट टू सेल इट, ठीक है ना जी। सर कोई मार्केट है, कोई मंडी है जहां बिकते हो प्लॉट? कोई मार्केट, कोई मंडी है दुनिया में जहां कहीं प्लॉट बिकते हो? डोंट टेल मी 99acres.com, क्योंकि 0.00001% भी प्रॉपर्टी बिकती नहीं, 0.00001% भी प्रॉपर्टी नहीं बिकती 99acres से। बस दिल की तसल्ली डाल के देख लेना, अगर कुछ बिक जाए 5 साल में तो मुझे बता देना, ठीक है ना बेटा। तो मुझे तो लगता नहीं बेटा कोई ऐसी मार्केट है या ऐसी कोई मंडी है जहां मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी बिक जाए। तो आप एक खुद सोच के देखो, मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है एंड आई वॉन्ट टू सेल इट, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर को अप्रोच किया, एज यूजल और कोई रास्ता नहीं है, कि मैंने उनको अपनी प्रॉपर्टी दिखाई कि ये बेच दो। उन्होंने कहा ठीक है, अगर मैंने बेच दी तो 1% कमीशन लगेगी, ठीक है ना, मार्केट रेट इज 1%। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप बेचो, क्या गारंटी है कि 3 महीने में बिक जाएगी, क्या गारंटी है कि साल भर में बिक जाएगी, कोई गारंटी है? बिक नहीं पाई, 6 महीने हो गए, मैंने दूसरे को दिखा दी, मैंने तीसरे को दिखा दी, मैं 10 प्रॉपर्टी डीलर को दिखा चुका हूँ बेटा। क्या मेरा टाइम जा रहा है? 6 महीने जा चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा। क्या मेरे एफर्ट्स खुद के भी बहुत लग रहे हैं, बार बार प्रॉपर्टी दिखाने जाता हूँ किसी को, बात नहीं बनती फिर वापसी? सर मेरे एफर्ट्स लगी जा रहे हैं, मेरा टाइम जा रहा है, और मैं कहता हूँ साल बाद वो प्रॉपर्टी बिक गई, ठीक है ना। प्रॉपर्टी की वर्थ थी 1 CR, मुझे 1 लाख रुपए कमीशन देना पड़ा, ठीक है ना। सर वैल्यू दिख रही है कमीशन की? क्या बेटा अगर किसी चीज की मार्केट नहीं होती, क्या टाइम बहुत लगता है, क्या एफर्ट्स बहुत लगते हैं, क्या बेटा मनी भी बहुत लगती है? तो समझ में आया, अगर किसी चीज की मार्केट ना हो तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, और कॉस्ट का मतलब 3 बातों से है, टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। एंड व्हाट अबाउट शेयर मार्केट? आई एम हैविंग अ फाइनेंशियल एसेट एंड आई वॉन्ट टू सेल इट, क्या मार्केट है? क्या ऐसी मार्केट है वेयर देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड ह्यूज नंबर ऑफ सेलर्स? करोड़ों लोगों की मार्केट है बेटा, क्या बेटा कॉस्ट आएगी? सर मैं सब बात बताता हूं बेटा, क्या मेरा टाइम लगेगा? हाँ लगेगा, 1 सेकेंड। क्या मेरे एफर्ट्स भी लगेंगे? हाँ ऑनलाइन जाना पड़ेगा। क्या मेरे पैसे भी लगेंगे? बता देता हूं, इस टाइम पर 99% ब्रोकर पता है किस पे आ चुके हैं, 20 रुपी पर ट्रांजेक्शन पर, कि 20 रुपए दे दो एक ट्रांजेक्शन कर लो। अगर वो ट्रांजेक्शन 1 करोड़ की हो तो तब भी 20 रुपए, यानी कि मैंने 1 करोड़ के शेयर बाय करे एंड आई एम पेइंग अ कमीशन ऑफ ₹20, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सर इसीलिए बोलते हैं रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। सर शेयर मार्केट में कॉस्ट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं है बेटा, कोई लगने वाली मनी नहीं है, इट इज नेग्लिजिबल, ठीक है ना जी।
सर आपने, आपके सामने मैंने बाय किया, ठीक है ना बेटा, तो कितनी देर में बाय करा? सेकंड्स एफर्ट के तौर पे मैंने एफर्ट क्या डाला? ऑनलाइन गया, यूजर आईडी पासवर्ड, बस दैट्स इट, और तो कुछ नहीं किया। तो सर ये एफर्ट है आपके, समझ में आ गया होगा क्या है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बढ़ाऊंगा आपको आगे। बेटा सब सामने देख रहे हैं बाबू, फाइनेंशियल मार्केट के दो अलग अलग पार्ट है, ठीक है ना जी। एक को हम बोलते हैं मनी मार्केट, एक को हम बोलते हैं बेटा कैपिटल मार्केट। बेटा एक को बोलते हैं मनी मार्केट, दूसरे को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। अब किसी ने पूछा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आपने फाइनेंशियल मार्केट के दो जो ये टुकड़े कर दिए, क्या बेसिस लिया, ऐसा क्या बेसिस था कि दो टुकड़े हो गए इसके? बेटा देखो, मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में बांटने के लिए गवर्नमेंट ने एक बेस लिया। वो बेस क्या है? अगर कोई सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड अप टू वन ईयर है, किसी भी सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड अप टू वन ईयर है, एक साल तक है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो बिकेगी मनी मार्केट में। और अगर कोई सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड एक साल से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो बिकेगी कैपिटल मार्केट में। यानी कि बेस क्या लिया गवर्नमेंट ने? मैच्योरिटी पीरियड इज द बेस। गवर्नमेंट ने कहा फाइनेंशियल मार्केट तो बहुत बढ़िया है, हम इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे। अगर कोई सिक्योरिटी जो बिक रही है उसका मैच्योरिटी पीरियड एक साल तक आएगा, तो वो तो बिकेगी मनी मार्केट में, और जिसका एक साल से ज्यादा आएगा उसे हम बेचेंगे कैपिटल मार्केट में। क्या बेस समझ में आया? क्या बेस क्या लिया? क्लियर हूं मैं इतनी बात को लेकर? आगे कैपिटल मार्केट के भी फर्दर दो पार्ट हैं, पर आज डिस्कशन नहीं करूंगा, ये डिस्कशन का मेरा मुद्दा है परसों का, ठीक है जी, या तो कल या परसों, मेरी तरफ देखते रहना। सर अब एक बात बताऊं आपको, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, अगर क्लास 11th में थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो इन तीनों का मैच्योरिटी पीरियड एक साल से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना जी। डिवेंचर कम से कम 5 साल के लिए इशू होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20। सेम बात प्रेफरेंस के लिए है, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 20। और इक्विटी तो कभी मैच्योर ही नहीं होती, कंपनी के जीते जी तो इसके पैसे वापस करने ही नहीं होते। तो सर ये तीनों कहां बिकती हैं? जो आपकी समझ थी वो तो हो गया रायता, वो तीनों कहां बिकती हैं? वो तो बिकती हैं कैपिटल मार्केट में, ठीक है ना। तो मनी मार्केट में क्या बिकता है? सर इन 5 चीजें हैं, 5 में से आपने एक का नाम सुना हुआ है, बाकी किसी का नाम भी नहीं सुना हुआ, ठीक है जी। मैं बोलना शुरू करता हूं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। सर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मेरे पास ये टॉपिक है, आप एक बार अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में 2nd पेज पर आना, नोट्स में देखना 2nd पेज पर, पहले मनी मार्केट के बारे में 4 पेज हैं, फिर मनी मार्केट, सॉरी 4 पेज कह रहा हूं, 4 लाइन है, फिर बेटा मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स लिखे गए। सर मैंने ये 4 लाइन नहीं पढ़ाई, और अभी पढ़ना मत, क्योंकि ये 4 लाइन पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 1.5 घंटा चाहिए। मैं पहले बोल चुका हूं ये चैप्टर है, मैं बिल्कुल ऐसे कराऊंगा कि आप किसी को बिठा के पढ़ा सको, पक्का। आप सबको ऐसा आता होगा, आप किसी को कहोगे यहां बैठते हो, कुछ नहीं आता, मैं समझाता हूं, ठीक है जी। तो ऐसे करना है ये चैप्टर, ठीक है जी। तो 4 वर्ड अभी नहीं मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बाद में देखेंगे। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज T-bills, ट्रेजरी बिल्स। सेकेंड वन इज कॉमर्शियल पेपर। क्या ये नाम सुना है हमने? ये नाम 11th में सुना है, पूरी PhD नहीं होगी सबकी, ठीक है ना, लेकिन कुछ कुछ ने नाम सुना हुआ है, क्योंकि क्लास में बेटा टीचर मोस्ट ऑफ द टाइम ये कटवा देते थे, तो हम भी नहीं पढ़ते थे, ठीक है ना बाबू। थर्ड वन इज कॉल मनी, फोर्थ वन इज कॉमर्शियल बिल्स, नहीं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा फोर्थ में, और फिफ्थ वन इज कॉमर्शियल बिल्स। सर हमने नाम नहीं सुना हुआ किसी का भी, सिर्फ एक कॉमर्शियल पेपर का नाम सुना हुआ है, अभी 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से पता भी नहीं है, जो 11th में मेरे पास पढ़ते थे, मैंने पूरी बात बोली हुई है, तुम्हें पूरा पता हो सकता है अगर किसी को याद हो तो, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूँ किसी को कुछ याद नहीं है, मैं तो शुरू से पढ़ाऊंगा हर चीज, ठीक है जी। तो पहले बात करेंगे ट्रेजरी बिल की, सब सामने देखेंगे और समझेंगे, सब सामने देखेंगे और समझेंगे। एक बात बता देता हूँ बेटा,
थोड़ा सा ना एटीट्यूड ऐसा कर लो कि आज आपको पढ़ना है 40 मिनट, क्योंकि अगर अभी से दिखाओगे ना कि बहुत गर्मी, अभी से दिखाओगे कि बहुत एग्जॉस्ट हो गए, तो बेटा बहुत मुश्किल कटने वाले हैं 40 मिनट। मैंने पढ़ाना है, मैं रोज रोज ये काम नहीं कर सकता कि आप रोज कोई बहाना मारो कि जल्दी छुट्टी नहीं होगी भाई, रोज नहीं होगी, हफ्ते में एक आध दिन चलता है, ठीक है ना। आधे लोग क्या करते हैं, बैच आते आते ना यहाँ हाथ रखना शुरू कर देते हैं, सच बता रहा हूँ, इट इज अ साइकोलॉजी, कुछ नहीं भी हो रहा हो ना तो ऑटोमेटिकली सर का दर्द शुरू हो जाएगा। सर आपको बहुत सच बता रहा हूँ, बहुत आराम से बैठे हो, ठीक है ना, आराम से बैठ के सुनी तो रहे हो, एक इंसान खड़े होके बोल रहा है सिंस लास्ट टू आवर्स, तो आपको लगता नहीं कि उसको ज्यादा परेशानी हो रही होगी आपसे, ठीक है ना। तो ये सर के दर्द से कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है ना, सर के दर्द पे कुछ होने लगा तो मैं रोज छुट्टी मारूं। 40 मिनट बिल्कुल तैयार रहो पढ़ने, सामने देख रहे हैं सब। तो बेटा बात चल रही है टी बिल्स की, बाबू पूरा नाम ट्रेजरी बिल्स, लेकिन प्यार से इसको हम टी बिल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक बात बोल देता हूं, पेपर में कोई भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आ जाए, कोई भी पांचों में से, पहली लाइन फिक्स है और हमेशा ऐसी ही लिखनी है, फिक्स लाइन। मेरी तरफ देख रहे हैं सब, सर कुछ भी आ जाए पांचों में से, एक बात फिक्स है, लिख देना इट इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि यही लिख देना इट इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि बेटा मनी मार्केट में वही इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हो सकते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है, मतलब 1 साल तक है। और आपको पता है आपको 11th क्लास में क्या सिखाया जाता था, अगर किसी सिक्योरिटी के पैसे मैंने 1 साल में देने हैं तो उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, किसी के मैंने 1 से 5 में देने हैं तो मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, और 5 के बाद देने हैं तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। जब मुझे पता है मैंने 1 साल बाद पैसे वापस करने ही करने हैं, पांचों में करने हैं ना, तो क्या बेटा पहली लाइन फिक्स हो गई, इट इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्लियर हूं मैं, ठीक है ना। और हमारी बिल्ली हमारे ऊपर बिल्कुल म्याऊ ना करे, क्योंकि होता क्या, मैं टेस्ट लेता हूं, मैंने पांचों लिखने को दिए, पहली लाइन ये लिखी, तो इट इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मैंने कहा ले भाई हमने सिखाया ये हमें म्याऊ म्याऊ कर रहे अब, ठीक है जी, बात समझ में आई क्या बाबू। नेक्स्ट वन, टी बिल्स का एक दूसरा नाम भी है, नाम जस्टिफाई करते करते टाइम लगेगा कि, क्योंकि मैं नाम भी नहीं रटवाना चाह रहा यहां तो, लेकिन बेटा नाम है, नाम जस्टिफाई करने में मुझे 10 मिनट लग जाएंगे। सर नाम है जीरो कूपन बॉन्ड, नाम है जीरो कूपन बॉन्ड, अभी पता लगेगा बेटा क्या कैसे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाम, ठीक है जी। सर थर्ड वन, बाबू अगर आप आगे बढ़ोगे ना, जब कमर्शियल पेपर पढ़ोगे या बेटा आगे बात बढ़ाओगे, कॉल मनी बढ़ोगे, तो हर एक सिक्योरिटी का ना एक स्पेसिफाइड मैच्योरिटी पीरियड है। जैसे कि जब मैं कमर्शियल पेपर पढ़ूंगा ना तो उसका मैच्योरिटी पीरियड है 15 दिन से 1 साल, 15 दिन के लिए कम से कम इशू होगी, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, मतलब स्पेसिफाइड मैच्योरिटी पीरियड इज गिवन। कॉल मनी पढ़ूंगा तो उसका 1 दिन से 15 दिन, हर एक का एक स्पेसिफाइड मैच्योरिटी पीरियड है, लेकिन टी बिल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया नहीं। और अगर नहीं दिया तो मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं क्या लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है बेटा, लेस देन 1 ईयर। या तो आप दे देते तो मैं बता देता कि उतना है, आपने दिया नहीं तो मुझे बताया, 1 साल से ज्यादा के लिए तो इशू हो ही नहीं सकता, कोई दिक्कत तो नहीं। फटाफट से बोलो, टेबल्स इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, टेबल्स का दूसरा नाम जीरो कूपन बॉन्ड, टी बिल्स का मैच्योरिटी पीरियड, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बस ये जोश होना चाहिए बस थोड़ी देर और। बेटा टी बिल्स आर इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां से बेटा मैं एक बात और लिंक करूंगा, टेबल्स आर इशूड बाय RBI, RBI समझते हो ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज अ बैंकर्स बैंक, इट इज अ गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है, RBI। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा RBI मुझे पैसों की जरूरत है, RBI ने कहा घबराओ नहीं, मैं मार्केट में टेबल्स इशू कर देता हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देता हूँ, आपको फंड रेस करके दे देता हूँ। और जो बच्चे मेरे साथ साथ कनेक्ट कर पाए इकोनॉमिक्स को,
को मैंने अभी कुछ दिन पहले इन्फ्लेशन डिफ्लेशन समझाते टाइम एक बात लिखी थी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि आरबीआई का फंक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेच देता है अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो, क्योंकि सिक्योरिटी बेचने से क्या होता है बेटा, पैसा आ जाता है इकोनॉमी से, वो गवर्नमेंट को दे देता है, पर अगर बेटा डिफ्लेशन हो तो, समझ में आई बात? तो सर ये वही सिक्योरिटी है जिसका डिस्कशन आप ओएमओ में बढ़ गया थे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा बहुत इन्फ्लेशन आ रहा है, मार्केट से पैसा बाहर करना है, हमारी सिक्योरिटी बेच दो आरबीआई। आरबीआई ने टीवेल्स बेचने शुरू करे, आप लोगों ने खरीदे, पैसा आया सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचा दिया, इन्फ्लेशन करेक्ट, ठीक है ना? जो कनेक्ट कर पाए उनके लिए, जो कनेक्ट नहीं कर पाए, क्या हमें जरूरत है इसको जानने की? नहीं, आते से ज्यादा दुनिया को पता ही नहीं होता कि दोनों सेम बातें, ठीक है जी? कितनी बात क्लियर है? इट इज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर बहुत बहुत काम की बात, इट इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। सर इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार, सर समझ नहीं आया क्या मतलब? बाबू जब टी बिल्स बेचे जाते हैं तो कहते हैं डिस्काउंट पे बेचे जाते हैं, और जब रिडीम किए जाते हैं, रिडीम का मतलब क्या होता है बेटा? रिडीम मींस रीपेमेंट। जब रीपे किए जाते हैं तो बेटा पार वैल्यू पर पे किए जाते हैं। पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? लो ये पेपर देना बाबू, समझ लो ये एक टी बिल है। टी बिल क्या होता है बेटा? कागज का टुकड़ा। सर बैंक एफडी क्या होती है? देखिए कागज ही तो होता है जिसपे बैंक ने रिकॉग्नाइज कर दिया जी हाँ आपने मेरे यहाँ एफडी कराई हुई है, मैंने आपके इतने इतने पैसे देने हैं, ब्याज के साथ दूंगा। तो टी बिल भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना? अब इस पे मैंने लिखा हुआ है इसकी फेस वैल्यू है 50,000, ठीक है ना? फेस वैल्यू क्या होती है? इट इज जस्ट लाइक एमआरपी। आप लेस पैकेट खरीदने गए, एमआरपी लिखी 10, ठीक है ना? तो ऐसे ही सिक्योरिटी की जो एमआरपी होती है ना, उसको हम टेक्निकली बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है? इस पे लिखा हुआ है फेस वैल्यू 50,000। एक इंसान आया कि मैं खरीदना चाहता हूं, मैंने कहा ये पकड़ ये 45,000 का दे। उसने कहा फेस वैल्यू तो 50 लिखी है। मैंने कहा हम ऐसे ही करते हैं, इशू करते टाइम डिस्काउंट देते हैं। मैंने कहा तू ये रख और मुझे 45 दे दे। उसने मुझे 45 दे दिए। 360 दिन के लिए मैंने पैसे लिए थे उससे, 360 दिन के बाद वो आया कहता ये लो वापस। मैंने कहा ये पकड़ 50,000। आने का मैंने तो 45 दिए थे। मैंने कहा ये होता ही ऐसे है, इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। रिडीम करते टाइम पूरी फेस वैल्यू। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, The difference between the issue price and the redemption price is interest. ये आपको 5,000 में फालतू क्यों दे रहा हूं ब्याज क्यों? मैंने आज आपसे 45 लिए, आई एम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मैं 45,000 यूज कर रहा हूं 360 दिन बड़ा टाइम पीरियड, एक साल। एक साल यूज करने के बाद जब आप आए, मैंने कहा मैंने तेरे पैसे एक साल इस्तेमाल किए हैं, ले ब्याज के साथ ले 45 जो तूने मुझे दिए थे वो, और 5 ही तेरी ब्याज है। यानी कि हमेशा इशू होंगे डिस्काउंट पर, हमेशा रिडीम्ड होंगे पार वैल्यू पर। जो ये डिफरेंस होगा ना दोनों का, ये ब्याज ही तो है बेटा, और क्या है? और एक बात बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ब्याज भी नहीं मानती सर। हाँ अच्छा एक बात बताओ, आप टेक्निकल पर्सन हो, आपको समझ में आ रहा है ना? ब्याजी तो दे रही है सरकार आपको। देखो नाम क्या दिया, जीरो कूपन बॉन्ड। अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, जीरो कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, और बॉन्ड का मतलब होता है डिबेंचर। क्लास 11th में क्वेश्चन आता था, अगर डिबेंचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करे तो उसको डिबेंचर नहीं बोलते, उसको बॉन्ड बोलते। तो बॉन्ड कुछ और नहीं होता, बॉन्ड क्या होता है बेटा? तो क्या कह रहा है, जीरो कूपन मींस इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर, मतलब ये एक ऐसे डिबेंचर है जिनके ऊपर कोई ब्याज नहीं है,
सर नाम बड़ा गलत दिया आपने, क्योंकि ब्याज तो मुझे क्लियर दिखाई दे रही है भाई, ये तो कहने की बात है कि ब्याज नहीं है। सरकार ने कहा नहीं, बस हम तो ऐसे इशू करते हैं, इशू करेंगे डिस्काउंट, रिडीम करेंगे प्यार पर, कोई ब्याज नहीं है। भाई ब्याज ही तो है और क्या है दोनों का डिफरेंस, हमें समझ में आता है ब्याज है। मैंने आपको मतलब क्लियर कर दिया ZCB का। ZCB मतलब जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स। क्या नाम मैंने समझाने की कोशिश कर दी, क्लियर हो गया लगभग लगभग सारी बात, ओके अब तक। सर एक आखिरी बात बेटा, टी बिल्स या तो इशू हो सकते हैं 25,000 के या उसके मल्टीपल में, इशूड इन अ मल्टीपल ऑफ 25,000 और देयर ऑफ, ठीक है ना, इशूड इन अ मल्टीपल ऑफ 25,000, यानी कि टी बिल इशू होगा 25 का, 50 का, 75 का, 1,00,000 का, 90,000 का कोई टी बिल इशू नहीं हो सकता, 5,000 का कोई टी बिल नहीं इशू हो सकता, 25,000 के मल्टीपल में ही होनी चाहिए फिगर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना। एक एग्जांपल दे देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेबल्स इशू कराना चाहती है, उसने RBI को कहा टेबल इशू करो, एक इंसान टेबल परचेस कर रहा है 1,50,000 फेस वैल्यू के, हाँ जी 1,50,000 फेस वैल्यू के, सर क्या बिल्कुल एक्यूरेट फिगर है, क्या 25,000 का मल्टीपल है, हो सकता है सर 1,50,000 के बाबू फेस वैल्यू है और वो खरीद रहा है उसको 1,35,000, क्या बिल्कुल ठीक चल रहा है बात, इशूड एट डिस्काउंट, 1,50,000 की चीज 1,35,000 की बेची जा रही है, इट इज फॉर 270 days, क्या बात बिल्कुल ठीक है, 270 दिन के लिए टी बिल हो सकता है, हो सकता है, क्यों, क्योंकि नियम है लेस देन 1 ईयर हो सकता है, ठीक है ना। अगर वो मैच्योरिटी पीरियड पर आएगा, मतलब 270 दिन के बाद आएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पूरे 1,50,000 वापस कर रही है। ये जो 15,000 फालतू वापस कर रही है, ये क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो गया टी बिल, अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सिर्फ शक्ल दिखानी बाकी है, देख लो नोट्स में से शक्ल, शक्ल देख लो बस इसकी। सर बस अब आज के टारगेट में एक बात रह गई है, कॉमर्शियल पेपर, अगर जब ये पूरा हो जाएगा तब बैच में लीव कर दूंगा, ठीक है जी, कॉमर्शियल पेपर बस अब आराम से सुनना, क्योंकि 99% बातें सेम है, ठीक है जी। सर कॉमर्शियल पेपर, ये बात ना आप 11th क्लास में पढ़कर आते हो एक बार, ठीक है ना, कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, कॉमर्शियल पेपर कटवा देते हैं और नोट्स में लिखवा देते हैं ICD लिख दो, ठीक है ना, अब उनको पता नहीं कि दोनों एक ही बातें होती हैं। सर ऐसे ही करते हैं बहुत सारे टीचर, सच्ची में कॉमर्शियल पेपर कटवाएंगे बुक का और लिखवाएंगे ICD, आपको पता है दोनों एक ही बात होती है। चलो कह रहा हूं मैं, समझाता हूँ बहुत ढंग से बाबू, कॉमर्शियल पेपर और टी बिल्स में काफी सिमिलैरिटी है, पहले सिमिलैरिटी का जिक्र कर लेता हूं। सर इट इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है जी। दूसरी बात, इसका दूसरा नाम ICD है, ICD मतलब इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट। अब पहले चर्चा इसी बात पर, किसका नाम ICD क्यों रखा गया बाबू, क्योंकि कमर्शियल पेपर को इशू करती है कंपनी और खरीदती है कंपनी, यानी कि नो मेंबर ऑफ द पब्लिक आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, बेचने वाली भी कंपनी खरीदनी वाली भी कंपनी, इसीलिए इसका नाम रखा गया इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट, दैट मींस कॉरपोरेट टू कॉरपोरेट डिपॉजिट, बेचेगी भी कंपनी और खरीदेगी भी कंपनी, पब्लिक नहीं खरीद सकती, अगर पब्लिक खरीदती तो इसका नाम होता था 11th क्लास में पब्लिक डिपॉजिट्स, क्योंकि कॉमर्शियल पेपर और पब्लिक डिपॉजिट में कोई अंतर नहीं होता, जब आप पब्लिक को बेचते हो तो पब्लिक डिपॉजिट, कंपनी को ही बेचते हो तो बेटा क्या नाम होता है इसका, ICD, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट, दैट मींस कॉरपोरेट टू कॉरपोरेट डिपॉजिट, बेचने वाली कंपनी और खरीदने वाली कंपनी, क्या नाम पे एनालिसिस क्लियर है, क्यों रखा नाम ICD। आगे बढ़ो जी, सर इसका मैच्योरिटी पीरियड टी बिल्स का था लेस देन 1 ईयर, क्योंकि कोई स्पेसिफाइड मैच्योरिटी पीरियड नहीं था, इसका है 15 दिन से लेकर 1 साल,
और आपको पता है आपको क्या करा जाता था 11th में, 3 महीने कटवा कटवा के बुक की सारी बातें, उल्टी सीधी पढ़ाई जाओ बच्चे को, ठीक है ना जी। तभी तो भाई साहब मेरे को हंसी आती है, क्योंकि जब काम की बात आती है तो आप साइड हो जाते हो चुपचाप। 15 दिन से 1 साल बिल्कुल करेक्ट टाइम पीरियड है, 3 महीने बिल्कुल गलत है, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 बातें हो गई सर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट है, दूसरा नाम ICD है, स्पेसिफाइड मैच्योरिटी पीरियड इज 15 days to 1 year, ठीक है जी। आगे बढ़ो सर, इसको कोई RBI इशू नहीं करता सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, इसको कंपनी इशू करती है टू द कंपनीज, ठीक है जी। बाबू इट इज ऑल्सो इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पर, ये भी इशू होते हैं डिस्काउंट पे, रिडीम होते हैं पर पे, कोई दिक्कत तो नहीं सर। इसका भी डिफरेंस क्या होता है, ब्याज, इसमें कोई मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये वाली बात तो नहीं है। अब एक बात बताओ, जितनी सिमिलर बातें थी सब मैंने कर ली, अब कुछ बातें मेरे से और सुन लो और खत्म। बाबू कॉमर्शियल पेपर इज अ अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, अनसिक्योर्ड समझते हो बेटा, कंपनी जब ये इशू करेगी तो कोई एसेट गिरवी नहीं करेगी, अनसिक्योर्ड, सिक्योरिटी नहीं देगी। मतलब एक कंपनी कह रही है मैं 5 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर इशू कर रही हूं, दूसरी कंपनी कह रही है मैं खरीद तो लूंगी, तू पहले कोई सिक्योरिटी गिरवी कर दे 5 करोड़ की। उन्होंने कहा सिक्योरिटी सिक्योरिटी कुछ नहीं है, लेना ले ले, नहीं लेना ना ले। अच्छा ये डिबेंचर होते तो सर, डिबेंचर हमेशा सिक्योर्ड होते हैं, पहले 5 करोड़ की सिक्योरिटी गिरवी रखती है कंपनी तो बेटा इशू करती है। सर कॉमर्शियल पेपर इज अ टोटली अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, तो बेटा एक बात अब काम के सुनना, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, बिक सिर्फ उसी कंपनी का पाएगा जो कंपनियां लार्ज है, जिनकी क्रेडिट वर्थिनेस बहुत हाई है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी कंपनी का बिक जाएगा कमर्शियल पेपर, यानी कि गले मोहल्ले की कोई भी कंपनी 420 एंड 420 लिमिटेड कल को कहे कि बेटा मेरे को कमर्शियल पेपर इशू करना है, कोई कंपनी आएगी खरीदने आके, बैठ जा छोड़ भाई, हाँ तो इतना बढ़िया नाम है बेटा, मेरी कंपनी का नाम है, पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसका मैं हूँ, आए बड़े, ठीक है ना। एक और है मेरी कंपनी का नाम, तुम भूल गए होंगे शायद, प्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड, कितना प्यारा नाम, ठीक है ना। इतना 3 इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, एक मैं, एक खुराना और एक मानस। बेटा लिमिटेड मतलब अब क्या बोलूं तेरे, नहीं यार मैं समझा ही नहीं, तूने समझाया नहीं ना, तेरी बात को सिर्फ एक बंदे को समझ आती है, दिक्कत तो ये है ना बीड़ी, वो दूसरा बंदा ही है तुझे नहीं पता। चलो जी अब चलो जी, लो प्यारे बच्चों, हाँ इसको भी पता होगा, कल ये बहुत इंटरेस्ट ले रहा था बेटा, बस सामने देखना सर, कॉमर्शियल पेपर इज टोटली अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि अनसिक्योर्ड है तो बिकता सिर्फ उस कंपनी का जो कंपनियां लार्ज हैं, जिनकी क्रेडिट वर्थिनेस बहुत हाई है। एक बात सोचो बेटा, एक कंपनी है मैं बोलता हूं ABC लिमिटेड, ठीक है जी, ABC लिमिटेड के पास क्या कभी सेविंग अकाउंट होगा, 11th पढ़े लिखे हो सर, सेविंग अकाउंट सिर्फ 2 ही लोग खुलवा सकते हैं, एक हाउस होल्ड और एक HUF। सेविंग अकाउंट नहीं होता किसी पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी का, यानी कि इनका अकाउंट कौन सा होता है, करंट, करंट पे ब्याज मिलती है। एक कंपनी के अकाउंट में करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, ABC के अकाउंट में करोड़ रुपए पड़े हैं, सर ब्याज मिल रहा होगा, नहीं, इट इज टोटली आइडल अमाउंट। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहती है मैं कॉमर्शियल पेपर इशू कर रही हूं खरीद लो, ABC लिमिटेड ने तुरंत खरीद लिए, क्यों, लालच कि ब्याज कमा लेता हूं, खाली तो बड़े हुए करंट अकाउंट में। दूसरी बात, रिलायंस इज अ लार्ज कंपनी, इज अ क्रेडिट वर्दी कंपनी, कि हाँ पक्का बता पैसा वापस आएगा, कहीं नहीं जा रहा। सर एक बात बताऊं और, जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो, क्या कॉमर्शियल पेपर से ऐसे अमाउंट रेज होती है 100 करोड़ 200 करोड़, सर ये बेवकूफी वाली बात है अगर कोई आपको बता रहा है तो।
कॉमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, पहली बात तो बिकेगा ही लार्ज कंपनी का और क्रेडिट वर्दी कंपनी का, दूसरी बात ये सर ये अरबों में अमाउंट रेस करके नहीं दे सकता, अनसिक्योर्ड चीजों पे लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा लिमिट है 5-7-10 करोड़ बस, इससे ज्यादा नहीं, अरबों में अमाउंट रेस नहीं होता बेटा, मतलब नहीं अरबों का, ठीक है जी। क्या मैं अभी तक क्लियर हूं? जितनी बात बोली सबको क्लियर है सर? सबसे ज्यादा केस स्टडी कॉमर्शियल पेपर से आएगी, मैं ये भी बता रहा हूं आपको, इसलिए बोल रहा हूं सब कुछ क्लियर है। अगर आप मेरी बात सुन लोगे घर जाके, चाहे इसको छूना मत पूरे चैप्टर को, ठीक है ना, अगर ढंग से सुन लोगे तो ऐसी कोई केस स्टडी नहीं जो आप कर नहीं पाओगे, बस ये बताओ बात क्लियर है क्या। और हर जगह हिंट होगा लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी, लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी, अभी बता रहा हूं दोबारा प्ले करके दिखाऊंगा यहीं पर ये लेक्चर आपको कि मैंने ये बात बोली थी, ठीक है जी। बाबू एक आखिरी बात, कमर्शियल पेपर के दो इस्तेमाल है, सिर्फ दो ही इस्तेमाल, ये बात मैंने 11th में भी समझाई थी, मैं दोबारा समझाऊंगा, कमर्शियल पेपर बस दो ही वजह से इशू हो सकता है, या तो सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड के लिए, या बेटा टू मीट आउट द फ्लोटेशन कॉस्ट। अब सुनना दोनों के बारे में सर, पहली बात मैंने बोली कमर्शियल पेपर कब इशू होता है, सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, मतलब क्या है इस बात का बाबू, आप कोई कंपनी हो, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूं आपको, टाटा वोल्टास, ठीक है, आप एसी बनाते हो और बेचते हो, फेब्रवरी आ चुका है, यू नीड सम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, क्योंकि आपका सीजन आ चुका है, आपको एसी बनाने और बेचने, और आपके पास शॉर्ट पड़ रहा है पैसा, ठीक है, आपने इशू कर दिया कॉमर्शियल पेपर टू मीट आउट योर वर्किंग कैपिटल नीड और सीजनल कैपिटल नीड, आपने 10 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर इशू करे एट 9 करोड़, इशूड एट डिस्काउंट, 10 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर दे रहे हो किसी कंपनी को, कह रहे हो बस 9 ही दे दे, और ये कितने दिन के लिए मांग रहे हो, आप मांग रहे हो मान लो 240 डेज, 8 महीने के लिए, ठीक है ना जी। सर किसी कंपनी ने आपको 9 करोड़ दे दिए, आपने क्या करा, प्रोडक्शन में 9 करोड़ लगा दिए, एसीज बना रहे हो, बेच रहे हो, बना रहे हो, बेच रहे हो, बना रहे हो, बेच रहे हो, 8 महीने तक आपने वो पैसा यूज करा 9 करोड़, जब नवंबर आ गया 8 महीने बीत गए, आपने क्या करा, आपने उस कंपनी को ले 10 करोड़, इशू डैट डिस्काउंट, रिडीम डैट, सर आपको क्या लग रहा कुछ नहीं बचा टाटा को, 9 करोड़ के 15 करोड़ कर दिए उसने, 4 बार एसी बना बना के बेच दिए आपके पैसों से, उसने 10 दे भी दिए तो क्या हो गया, 5 करोड़ उसने फ्री में कमाए, उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं था, क्या मैं क्लियर हूं इतनी बात को लेकर। कॉमर्शियल पेपर का इस्तेमाल क्या है, सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड्स, पहला इस्तेमाल, दूसरा इस्तेमाल टू मीट आउट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ द कंपनी। एक बार बताऊं जब मैंने कॉमर्शियल पेपर इशू किया था, हो गए होंगे सर 7-8 मिनट पहले, मैंने क्या बोला कि बस कमर्शियल पेपर करा रहा हूँ छुट्टी, और 99% बात सेम है, आपने कितनी कंसंट्रेशन दिखाई, पर छुट्टी हुई थी ना, आपको भी पता होनी नहीं अभी 8 महीने तो, ठीक है ना, इसलिए बढ़िया कंसंट्रेशन दे दो, क्योंकि आप खुश हो जाते हो, आपको लगता है छुट्टी होने वाली है, मैं भी ऐसे बताता हूँ कि छुट्टी होने वाली है, पर होने कभी नहीं वाली होती, ठीक है ना, लो समझ गए ना, हाँ सारी चालें समझ जाओगे तुम धीरे धीरे, हैं क्या कह रहा, हाँ यार वो तो बात ठीक है, भगवान ने मुझे कहा था मनीष पूरा कर्म करियो, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो मैं कर्म तो बेटा मेरा ये कहता कि 1 बजे तक पढ़ाऊं, चलो भगवान की सुन लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, लो जी लो प्यारे बच्चों, बाबू तो कमर्शियल पेपर का दूसरा इस्तेमाल है टू मीट आउट द फ्लोटेशन कॉस्ट, और यहां एक काम की बात है जो नोट्स में नहीं लिखी हुई, ठीक है ना, क्योंकि कोई काम की बात नोट्स में होती नहीं, तो बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट क्या चीज होती है पहले सुनना सर, 11th क्लास पास हो तो ये वर्ड भी पता होगा बेटा, पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्चना पड़ता है उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, या बेटा इशू कॉस्ट। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, एक कंपनी इक्विटी शेयर से पैसा लेना चाहती है, सर आपको क्या लगता है कोई खर्चा नहीं, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराने का खर्चा अगर क्लास 11th पास, उसके बाद ब्रोकर या अंडरराइटर से बिकवाने का खर्चा, ब्रोकरेज और अंडरराइटिंग कमीशन, उसके बाद दुनिया को बताने का खर्चा कि हमारे शेयर आ रहे हैं, ऐड का खर्चा,
उसके बाद कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट कराने का खर्चा। तो सर खर्चे तो बहुत हैं। तो बेटा जो पैसा लेने के लिए पैसा खर्चना पड़ता है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। और मैं बोलता हूं अगर आप एक टीवी एड में बता रहे हो कि मेरी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, एलआईसी बता रहा था कि नहीं वैसे ही बताओ, किसी ने एड देखा था एलआईसी का? एलआईसी बता रहा था कि मेरी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, बहुत बार बोला। कितने पैसे लगते हैं टीवी एड के? 5 करोड़ से कम रखते हैं सर। वहां क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि 21,000 करोड़ का आईपीओ था, तो उनको क्या फर्क पड़ना था 5-10 करोड़ के एड से। उन्होंने दबा दब 1 महीना एड चलवाया, कुछ नहीं होता, लग जाने 200-200 करोड़, 1% भी नहीं लगा उनका तो आईपी। सर आईपीओ की अमाउंट कितनी थी? 21,000 करोड़। तो 1% भी नहीं लगा उनका तो। समझ में आई बात? तो बेटा अगर कोई कंपनी बता रही है टीवी ऐड करके कि मेरे आईपीओ आ रहा है खरीद लो, मेरे शेयर आ रहे हैं खरीद लो, तो खर्चा नहीं कर रही? तो सर वही बात है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? पैसा लेने के लिए जो आप पैसा खर्चते हो उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, या इशू कॉस्ट। मैं और डिटेल्ड जाऊंगा एक और जगह पर, लेकिन अभी फ्लोटेशन कॉस्ट को मुझे छोड़ देने दो, मुझे मेरी बात कंप्लीट कर देने दो। सुनना सर, आज आप कोई नई कंपनी हो, और सुन लो बेटा, बस आखिरी बात है बेटा, कसम से वो आखिरी है पक्का। मैं मतलब आप नहीं झूठ बोल रहा पक्का यार। अच्छा अभी भी तुम्हें लगता है कि कोई बात रह गई होगी जब मैं कह रहा हूं 55 पे छुट्टी हो जाएगी, आखिरी है। मैं भगवान से डर के बोल रहा हूं बात, बस सुनो बेटा। एक नई कंपनी है, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड क्या कह रही है कि मुझे 100 करोड़ के शेयर, 100 करोड़ की अमाउंट की जरूरत है, 100 करोड़ प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। अब बेटा XYZ बहुत अच्छे से जानती है बेटा कि 100 करोड़ जैसी बड़ी रकम, या मैं बोलता हूं XYZ जोड़ो, रिलायंस शुरू कर रही है एक नया प्रोजेक्ट, ठीक है, नीडेड रुपी 100 crore। अरे वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि 100 करोड़ जैसी रकम कमर्शियल पेपर नहीं दे सकता, चाहे बहुत अच्छी कंपनी हो कोई नहीं देगा 100 करोड़ आपको, ठीक है ना। अब उनके दिमाग में है चल मैं 100 करोड़ के इक्विटी शेयर इशू कर देता हूं, वो बिक जाएंगे पक्का, 500 करोड़ के भी हो चाहे 5000 करोड़ के भी हो। उसने कहा चल मैं इशू कर देता हूं इक्विटी शेयर, लेकिन उसको एक परेशानी है कि इक्विटी शेयर की फ्लोटेशन कॉस्ट ही लगभग 10% होती है, यानी कि बेटा अगर 100 करोड़ चाहिए तो 10 करोड़ खर्चने पड़ेंगे। अब उसने कहा यार है तो 10 करोड़ भी नहीं, तो 100 करोड़ कहां से आएंगे? अब सुनना सर, रिलायंस ने कॉमर्शियल पेपर इशू करे एट 12 crore फेस वैल्यू के कॉमर्शियल पेपर इशू करे बाबू एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹10 crore। कॉमर्शियल पेपर इशू कर दिया किसी दूसरी कंपनी को, 12 करोड़ की चीज दे दी, 10 करोड़ ले लिए, 10 करोड़ आ गए। 100 करोड़ के इक्विटी शेयर इशू करे जो 10 करोड़ खर्चने थे, यहां से वो 10 करोड़ मीट आउट कर दिए, ठीक है जी, 100 करोड़ आ गए, 100 करोड़ है हाथ में, 10 करोड़ जा चुके, जीरो हो चुके। 100 करोड़ लगाए प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट स्टार्ट, बोलो यार देखो प्लीज बोलो, खत्म हो जाएगा वरना मैटर यहीं सारा। हाँ जी, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया बाबू, 100 करोड़ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, पहले साल जो कमाया अगर मैं इक्विटी में डिविडेंड ना बांटूं, कुछ कर सकते हैं इक्विटी वाले? तो डिविडेंड मत दो उनको। आपने जो कमाया कमर्शियल पेपर के 12 करोड़ पहले साल में वापसी, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, 15 दिन से एक साल है आपके पास, तो एक साल में उनके पैसे उतार दिए सर। अगले साल से कमाए जाओ, इक्विटी में डिविडेंड बांटे जाओ, वो भी खुश और आप भी खुश। तो क्या कमर्शियल पेपर से फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट की जाती है? जब भी मीट आउट की जाती है, काम की बात बोल रहा हूं, नोट्स में लिख लेना अभी, जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट की जाती है इसका नाम बदल के हो जाता है। सुन लो बेटा ये बात पहले सुन लो, कमर्शियल पेपर का नाम बदल जाता है यहां पर हम इसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। और अगर आपको याद हो 11th में बताया था, ऐसे थोड़ी तुम्हारे को ट्रेन करके लाता हूं मैं यहां पर बाबू, इसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। सर ये बात नोट्स में नहीं लिखी हुई, लेकिन इस पर केस स्टडी पक्का आएगी।
सर देख लो, इट इज अ जेंटलमैन प्रॉमिस। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।